नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल, प्रमुख सचिव श्री शुक्ला, उज्जैन में 8 और खजुराहो में 20 फरवरी से होगा स्काई डाइविंग फेस्टिवल। प्रदेश को एडवेंचर हम बनाने की एमपी टूरिज्म की पहल। उज्जैन और भोपाल में हुए पिछले संस्करणों में मिली है सकारात्मक प्रतिक्रिया। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। आप इतनी अच्छी संख्या में आज आए हैं, आपके साथ में शेयर करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि स्काई डाइविंग का जो पहले 2 संस्करण कर चुके हैं उसका 3रा संस्करण इस बार हम इस वर्ष फिर से करने जा रहे हैं और वो 2 जगह पे होगा, उज्जैन में और खजुराहो में होगा। उज्जैन में 8 तारीख से 18 तारीख तक होगा, 8 से 17 तारीख तक होगा फरवरी में, और खजुराहो में 20 से 25 फरवरी तक होगा खजुराहो डांस फेस्टिवल के साथ में। तो जैसा कि पहले 2 संस्करणों में मैं देखा कि मध्य प्रदेश के युवा एडवेंचर के प्रति बहुत ही अच्छा उनको आकर्षण है और वो सब करना चाहते हैं जो दुनिया के किसी भी देश में एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, बेहतरीन से बेहतरीन वो सारी एक्टिविटीज हमारे प्रदेश के युवा उनमें बहुत हर्ष का अनुभव करते हैं, रोमांच का अनुभव करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ करके भागीदारी करना चाहते हैं। और उज्जैन, जैसा कि आपको मालूम ही है, महाकाल महालोक बनने के बाद से एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हुआ है। पहले से ही था परंतु अब उसमें इतने आकर्षण हो गए हैं कि 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु लगभग प्रतिदिन उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और महाकाल महालोक अगर आपने भी देखा होगा, उसकी भव्यता और जो प्रयास किया गया है हमारी संस्कृति को सामने सबके रखने का, उसका भी आनंद लेते हैं। तो ये एक एडवेंचर स्काईडाइविंग होती है जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं और वो DGCA से अप्रूव्ड है, DGCA इंडिया का सिविल एविएशन अथॉरिटी है। और जो हमारी स्काईडाइविंग एक्टिविटी है उसकी जो भी हमारी प्रक्रिया रहती है, जो हमारी SOP रहती है, लाइसेंसिंग रहती है, वो विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूटिंग एसोसिएशन से हमारा अफिलिएशन है। तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम SOPs फॉलो करते हैं, जो भी हम इक्विपमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करते हैं, वो उसी के हिसाब से करते हैं। सो एंड पिछले 8-9 साल हो गए हमें इंडिया में ऑपरेट करते हुए एंड वी हैव 100% सेफ्टी ट्रैक। रही बात आपके प्रश्न कॉस्ट की, जो इस साल हमारा कॉस्ट है वो पिछले साल जैसे सेम है, इट इज 28,000 रुपीज प्लस GST, 28,000 रुपये प्लस 18% GST, लगभग 33,000 रुपये बनता है। और इसमें आपको जंप मिलती है, जंप के पहले की ट्रेनिंग मिलती है, सारा इक्विपमेंट इंक्लूडेड होता है, और जंप के बाद जैसे आपने ये वीडियो देखा ऐसा एक वीडियो आपको बना के आपकी जंप का दिया जाता है। सर एक सवाल है, नहीं वो एक अलग प्रकार का प्रोजेक्ट है, उसमें दूसरे प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, ये एक एडवेंचर एक्टिविटी है। हाँ, जो लगातार चलने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज होती है उसमें कोई अगर ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता है जहाँ पर महिलाओं को विशेष रूप से ट्रेन किया जा सके, आओ भी स्टार्ट करने वाले हैं। एंड सबसे अच्छी चीज ये है जो मैं आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि मैं देश भर में कई स्टेट्स के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन जितना फोर्थकमिंग मध्य प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, मतलब आगे बढ़कर काम करना, एक्टिविटी में फुली पार्टिसिपेट करना, इंश्योर करना कि टूरिस्ट वहाँ पे आए करें, मैंने और दूसरे स्टेट्स में इतना प्रोग्रेसिव स्टेट डिपार्टमेंट देखा नहीं है। और जैसा कि सर ने बताया, हमारा अराउंड 100 स्लॉट्स होंगे उज्जैन में एंड अराउंड 50 स्लॉट्स होंगे, तो करीबन 150 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस बार, पिछली बार की तरह। तो वी होप दैट इट इज सक्सेसफुल अगेन। थैंक यू। ये 50 को भी 100 कर सकते हैं इस बार।
और 5 दिन बढ़ा नहीं सकते? अगर बुकिंग होगी तो बढ़ा देंगे। ठीक है, हम ओपन रखें उसको, क्योंकि खजुराहो के साथ में पन्ना नेशनल पार्क भी लगा हुआ है, वैसे ही बहुत अच्छा फुटबॉल है और इसका प्रचार प्रसार हम आसपास के प्रदेशों में भी अच्छा कर दें। तो उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं हमारे खजुराहो क्षेत्र में आते हैं, ओरछा क्षेत्र में आते हैं, तो उन सबको एक नया अनुभव देखने को मिलेगा। तो यदि रिस्पॉन्स वहाँ पे, चूंकि पहली बार आप खजुराहो कर रहे हैं, तो अगर अच्छा चलता है तो हम लोग ओपन माइंड से देखेंगे इसको, और एक्सटेंड करना होगा तो एक्सटेंड करेंगे। सो इतना हम आपसे बातचीत करना चाह रहे थे। में डांस फेस्टिवल इस बार बहुत खास होने वाला है, इसके बारे में हम अलग से भी आपको बुलाएंगे। आज तो हम सिर्फ स्काई डाइविंग की बात करने के लिए आपके साथ बैठे हुए हैं। खजुराहो में इस बार 50वां संस्करण होगा खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह का, और बहुत विशेष होने वाला है। जैसा कि आपने देखा नवंबर लास्ट में जो हमारा तानसेन समारोह हुआ, वो उसने एक नया कीर्तिमान रचा और पूरे विश्व पटल पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान अंकित किया। शहर ऐसे हैं जो कि सिटी ऑफ म्यूजिक के टैग जिनके पास यूनेस्को के हैं, उस क्लब में ग्वालियर शामिल हो गया और उसी को हमने सेलिब्रेट करने के लिए तानसेन समारोह को विशेष यादगार समारोह बनाया। और अगले वर्ष भी जो हमारा 100वां संस्करण होगा वो तो बिल्कुल ही और भी अद्भुत होने वाला है। तो उसी तर्ज पे खजुराहो नृत्य समारोह का 50वां संस्करण एक विशेष और स्मरणीय कार्यक्रम होने वाला है। खजुराहो को विश्व पटल पर अंकित करने के लिए पहले से जो प्रयास किए गए उन्हीं में बढ़ावा देते हुए, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो पहले से ही है, हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार खजुराहो को वापस पुनर्स्थापित जो उसकी पहले की गरिमा थी उसके हिसाब से करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये स्काई डाइविंग फेस्टिवल उसमें एक नया आयाम जोड़ेगा। तो आपके माध्यम से हमारा ये अनुरोध है कि सभी हमारे युवा वर्गों को ये बात पहुंचे, और आने वाले समय में ये जो स्काई डाइविंग फेस्टिवल करते हैं, ये फेस्टिवल ला करके परमानेंट बेसिस पे प्रदेश में स्थापित हो और पूरे वर्ष भर चलने वाली एक गतिविधि के रूप में, एडवेंचर की प्रमुख गतिविधि के रूप में स्थापित हो, इसके लिए भी हम पृथक से प्रयास कर रहे हैं। परंतु पहले जो हमारे मन में शंका थी कि इसमें कितना रिस्पांस मिलेगा, वो हमारी निर्मूल साबित हुई थी, और दोनों वर्षों में गत वर्षों में जबरदस्त इंथुजियाज्म और रिस्पॉन्स था। हालांकि हमारे पास लिमिटेड डेज होते हैं, लिमिटेड टाइम्स होती हैं, इसलिए हम हर एक को नहीं डिटेन कर पाए, परंतु चूंकि हर वर्ष हम आ रहे हैं तो जिन लोगों को पिछली बार मौका नहीं मिला इस बार उनको अवसर प्राप्त होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ विशेष बात यह भी रहेगी, जो स्काई डाइविंग करेगा वो आसमान से वो हमारे खजुराहो का दृश्य, मनोरम दृश्य भी देखेगा, कंदरिया महादेव और जो वहाँ पे भव्य विरासत है खजुराहो की, वो मल्टीपल जिसको बोला जाए एक्सपीरियंसेस होंगे वहाँ पर। ये रोमांचकारी अनुभव तो होगा ही 10,000 फीट से डाइव करने का और हवा में तैरने का, साथ ही साथ खजुराहो को एक विशेष नजर से देखने का भी एक अनुभव प्राप्त होगा, उसी प्रकार उज्जैन में भी होगा। तो मैं आप सब के माध्यम से ये सूचना भी देना चाहता हूँ कि ये केवल मध्य प्रदेश तक समाचार सीमित ना रहे और मध्य प्रदेश को एडवेंचर के दृष्टि से लोगों की फर्स्ट चॉइस बनाने के लिए हमें सबको मिलकर के योगदान देना है। और आज के युवा वर्ग को खासतौर पे मध्य प्रदेश के जो हमारे सारी खूबसूरतियां हैं पहले से ही हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑफ बीट डेस्टिनेशन, जितने हमारे पास प्रदेश में हैं वो शायद किसी भी प्रदेश में नहीं होगी। नेचर के साथ में हेरिटेज के साथ में सुंदर वाटर बॉडीज, जंगल के क्षेत्र और प्रमुख धार्मिक स्थान, सब कुछ मिलाकर के मध्य प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान मिलाता है और एडवेंचर उसमें एक नई एक्टिविटी के रूप में लगातार हम जोड़ते जा रहे हैं। ये एक प्रमुख बात हमें आपसे शेयर करनी थी, इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसा कि सर ने बताया, ये इस बार हमारा 3रा साल होगा कि हम मध्य प्रदेश